Yo gamers boys, welcome back to another gameplay video of Hitman. तो in this last episode हमने देखा था, Dino को हमने टपका दिया था और उसके एक friend था जिसको हमने बचा के लाया है और यहाँ पे कुछ research वगैरह चल रहा है जिसमें कुछ super soldier वैसे जैसे कोई चीज बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ का पर्दाफाश करने आए हैं, यानी कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प कर सकता है. एक बंदा है और हमें एक साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, उसको हमें निपटाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम 47 हैं. काम भी करना पड़ेगा और अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा. बंदा यहीं पे एक उस साइड एक डीलर है और यहाँ पे आया हुआ है और उसको हमें एक पूरे बाजार, यानी कि देखो चाइना टाउन का एक पूरा भीड़ है और इसमें वो रहा टारगेट हमारा, उसको हमें निपटाना पड़ेगा क्योंकि ये इस बाजार पे उसको मार पाना बहुत मुश्किल है. यानी कि मुझे कुछ ऐसे जगह से उसको मारना पड़ेगा या फिर कुछ खाने वाने की चीज़ें में मैं कुछ मिला सकता हूँ आई थिंक. ओके, तो वहाँ पे वो बातचीत कर रहा है. ओके, बातचीत क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम. ये देखो उसके पास एक कॉफ़ी है, कॉफ़ी में शायद मैं पॉइजन मिला सकता हूँ. तो सबसे पहले मुझे पॉइजन ढूंढना पड़ेगा एंड पॉइजन को इसके अंदर मिलाऊंगा तो वो सीधा निपट लेगा. ओके, तो पॉइजन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ खाने पीने वाले जगह में मुझे मिल सकता है. ओके, ये सुट्टेबाज को देख लो भाई. अरे काम धंधा कुछ है नहीं अंकल को, सुट्टेबाजी करना है. देख लो, हाँ पोकट का सुट्टा है, ये सिक्योरिटी गार्ड है पुलिस है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार. ओके, वो वहाँ पे एक गेट है और यहाँ पे दो बंदे दिख रहे हैं मेरे को और यहाँ पे मुझे पॉइजन वगैरह की चांसेस नहीं दिख रही है, यानी कि यहाँ तो पॉइजन नहीं मिल रहा. ओ भाई जेसीबी की खुदाई, क्या बात है, जेसीबी को खुदाई छोड़ के यहाँ पे बाजार में घूम रहे हैं बंदे लोग, कैसे गवार लोग हैं भाई. जेसीबी की खुदाई छोड़ना यानी कि तुम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो गाइस. ओके, तो मुझे पहले पॉइजन ढूंढना पड़ेगा भाई. हैं जी, और हो सकता है टारगेट यहाँ से भाग भी जाए लेकिन पहले अपना काम करना ज़रूरी है, तो पहले मैं ढूंढ लेता हूँ रे भाई. ओके, मैंने उसके बिजली काट दी है और वो यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करने आया है, आने वाला है, यानी कि मैं चुपके से निकल जाऊँगा अगर वो उस तरफ अपना मुंह रखेगा तो. ओके, मैं पहले डक हो जाता हूँ, शांति से निकल जाता हूँ, शांति में क्रांति. ओके, उसने चेक कर लिया, सीधा भाग जाता हूँ मैं इससे पहले उसमें वो मेरे को देख ले. ओके, तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ और देखते हैं यहाँ पे मुझे कोई ना कोई बंदा दिख रहा है ऊपर. खैर ऊपर में तो कोई है नहीं, अब सीधा अंदर जाते हैं. ये कौन सा रूम है भाई, ओ ये कौन है. अच्छा बेटा तू तो गया, तू तो गया, ये गया, ये गया 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 गया. अरे तू अपना दम तोड़ दे गया, गर्दन ही तोड़ देते हैं, सीधा निपट गया. ओके, बॉटल वॉटल नहीं लेना भाई. मेरे ख्याल से ये मुझे एक हेड क्वार्टर लग रहा है. ओ भाई उस सामने देख रहे हो क्या, स्नाइपर राइफल, ये हुई ना बात. मेरे ख्याल से स्नाइपर राइफल से हम अगले बंदे को उड़ाने वाले हैं, हमारा जो टारगेट है. एंड टारगेट मुझे वो रहा टारगेट जो है हमारा. और अरे टारगेट पे पहले मार्किंग तो करवाने दो भाई. ओके, तो वो रहा टारगेट, उसको हमें निपटाना होगा. अरे भाई रेड रेड करके दिखाता है यार, वो दिखा नहीं रहा एनिमी इंस्टेंस को. ओके, क्यों वगैरह कुछ दबा रहा है. नहीं यार मेरे को पहले सही से निशाना बिठाना पड़ेगा उसके बाद ही. ओके ओके, कहीं जा रहा है वो, सुसू सुसू भी करने तो नहीं जा रहा है. हैं जी, ओके ओके ओके. ओके, सही निशाना मुझे मिल गया और ये बूम निपट गया, वो एलिमिनेट हो गया. ये हुई ना बात. अब सीधा मैं अपना गन वगैरह सब निकाल लेता हूँ, तुरंत निकल जाता हूँ इससे पहले वहाँ पे एक ऑफिसर होगा वो मेरे ऊपर शक कर सकता है. ओ ओके ओके ओके, तो बहुत ही सामने ही खड़ा हुआ यार. ओके, मैंने वैसे अलग कपड़ा पहना हुआ तो मेरे ऊपर आसानी से शक कर सकता है और ये ऊपर ही आ रहा है. मेरे को छुप जाना चाहिए यहाँ पे, मैं छुप जाता हूँ यहाँ पे छुपने वाला. अरे अरे छुप जा भाई इससे पहले ये मेरे को देख ले, मैं छुप के इंतजार करता हूँ इसको वापस जाने का. अब सीधा यहाँ से निकल लेते हैं, भटक लेते हैं और वो उस तरफ देख रहे हैं, यानी मैं आसानी से निकल सकता हूँ. और सब चीज़ें जो है वो फिर से यार कलर बदल गया. अच्छा मैंने दौड़ भाग कर दी ना इसलिए आवाज़ थी आ गई इसको. और ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए वापस आ चुका है, वापस मुझे फिर वापस छुप के जाना पड़ेगा. अरे यार फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे को.
ओके, मैं इसको निपटा तो दिया, लेकिन अब मुझे इसकी बॉडी ड्रॉप करनी पड़ेगी। और सामने में से कौशन दिखा रहा है, यानी कि कोई इसको चेक करने के लिए आ रहा है। ओके, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मेरे को, डंप कर देता हूँ तुरंत तुरंत। ओके, मामला पानी थोड़े शांत हो गया है। इस गली में वैसे कोई आया तो नहीं है, लेकिन इसको मैंने टपकाया, ऐसा टपकाते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। चारों तरफ हल्ला हो चुका है और ये मेरे ऊपर शक भी करने लगा। ओ देखो, हो गया, शक पूरा यकीन में बदल गया कि हमने उसको मारा था, लेकिन मैं फिर भी घूम के जाता हूँ। अरे भाई, चारों तरफ पुलिस वाले, यार मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अच्छा, जहाँ मेरे को देखेंगे वहीं पे शक करने लग जाएंगे। अरे तो शेफ है भाई, अब ये भी शक करने लग गया। नहीं, जब तक मैं हिलूंगा नहीं उसको शक नहीं। ओ भाई, अरे यार तू मेरे मिशन करने नहीं देगा, मैं तेरे को निपटा दूंगा। अब तू तू तो गया बच्चे, तू तो गया। ओके, तो मैंने उस बंदे को मार रखा था इन्वेस्टिगेशन, क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर रूम में, उसी का कपड़ा पहना और ये मैं तुरंत निकल गया। यानी कि मैं अपना 1847 का कपड़ा पहनता था, मैं बच ही नहीं पाता। अरे उसको गोली मारे है, उसको पैसा दिया भाई। अरे बंदा यार सोए पड़ा है, देख रहा है, काम नाम है नहीं इसके लिए, हम काम करने आए हैं और यही सोए पड़ा है। Don't bring your mean ass to my home. I need information. Well, that's my business. Information. You need information, I find information. At a price, of course. You're damn right at a price. Of course. Girl named Victoria. The agency wants her bad. I need to know why. No, wait. No! The agency. You want me to snoop around the agency? Were you crazy? Yeah, you crazy. All right, what is it worth to you? Name your price. Well, tools. Listen to the city. If anyone mentions the girl, you know what to do. I'll call you. You do that. ओके, तो विक्टोरिया नाम की लड़की को हमें ढूंढना है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू ये कह रहे हैं, और उसको आई थिंक इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ। ये लोग जो है CIA यानी कि कोई पुलिस ब्रांच के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, और अगला बंदा भी पागल हो रहा है क्योंकि CIA जो है सरकारी वगैरह चीज है। Waiting. For what? Still have a chance. Which in one of the teams, but this is a job. 47. Why did you do this? Do not let her turn into you. Take the girl and run. I cannot be part of this anymore. I promised Diana to keep you safe.
तो हिटमैन ये बात कह रहा है कि उसने मरते वक्त डायना से वादा किया था कि विक्टोरिया नाम की लड़की को ये बचाएगा। शायद वो इस एक्सपेरिमेंट का शिकार है या आई थिंक वो कुछ जानती है इस चीज के बारे में। तो चलो कबूतर वाले ने तो अपना काम कर दिया, उसने पता बता दिया किसी लड़की का या फिर किसी और का पता बताया है, आई थिंक सो, मुझे नहीं मालूम, जाके हमें पता करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि इसने वादा किया है डायना से, इसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया, अपने देखो सर के पीछे अपना बारकोड को भी निपटा दिया है और पता नहीं क्या चिपका रखा है, शायद एक टेप है, इसका घाव बन चुका है इसके लिए है। सो हमें उस लड़की को बचाना है जो कि अंदर में बैठी, भाई इतने सारे लोग हैं यार, और सामने से ही मुझे दिख रहा है, और वो रहा एक शायद गेट की चाबी है मेरे ख्याल से। और मुझे सबसे पहले तो अपना कपड़ा ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, और सामने यहाँ कोई देख नहीं रहा है, और ये अंदर सीधा जाने वाला है, इसको मैं पीछे से निपटा के कोशिश करता हूँ यहाँ। ओके, किसी ने देखा नहीं है अभी तक, वैसे मुझे इसको यही निपटाना पड़ेगा, और ये निपट गया। अब इसका बॉडी में तुरंत उठा के ले जाता हूँ इससे पहले कोई देख ले, कबोर्ड पकड़ सा, अरे यार मेरे ख्याल से किसी ने देख ले मुझे, जल्दी से मैं डंप कर लेता हूँ, आई थिंक उसने पूरी बात को देखी नहीं होगी। अबे जल्दी डंप कर पागल, कहीं का देख लिया, गया मिशन फेल्ड हो गया यार, फिर से री अटेम्प्ट करना पड़ेगा मेरे को। ओके, मैं अटेम्प्ट टू कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि पिछले वाला अटेम्प्ट फेल्ड हो चुका था और सामने में मुझे कोई देख नहीं रहा है इसको मारते हुए, तो मैं इसको आसानी से निपटा सकता हूँ, और आई थिंक मैं उसको फेंक के नहीं मारने वाला, सीधा गला घोट के मारने वाला हूँ। नहीं, गला घोट को मारने के लिए भी मुझे इसको पीछे से पकड़ना पड़ेगा, और पीछे से पकड़ने के लिए दे नहीं रहा है। आई थिंक मैं इस फायर एंड एक्सटिंग्विशर ऐसा कुछ नाम है, ओ यार ही, और इसको छुपा यार। ओके, तू निकल बेटे, तेरे यहाँ पे कुछ काम नहीं है। ओके, अब मैं इसको मार के देखता हूँ अभी इसका खोपड़ा फोड़ेगा कि नहीं। ये लगाया निशाना, और ये ओ भाई गलत, ओके बुड्ढा कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा था, मैंने इसको निपटा दिया है, और इसका बॉडी मेरे को पहले छुपाना पड़ेगा, वो हो सकता है क्योंकि आसानी से इसका बॉडी विजिबल हो जाए। मैं इसको कोने काने में छुपा देता हूँ यार, फिलहाल तो कहीं ले जा भी नहीं सकता, और पूरी मंडली ने देख ली भाई, हो गया काम, हो गया सत्यानाश। ओके, मैंने इसकी ड्रेस पहन ली, इसलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे इसकी आखिर ये गया कहाँ, क्योंकि उन लोग के हिसाब से मैं यहीं पर हूँ अभी भी, तो रुक जाओ मैं पहले इन लोग का सस्पिशन से हट जाता हूँ, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इन डेंजर से कॉशन से हट जाता हूँ मैं, चुपचाप निकल लेता हूँ, ज़्यादा ये लोग मेरे को शक ना कर पाए। पहले मैं यहाँ पे वेट करूँगा बाथरूम में आके। अबे लाल लाल क्या हो गया, अरे लगता है इन्होंने किसी को ढूंढ लिया है, खैर वो मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं होता नहीं ढूंढ लिया गया। ओके, तो छुपते छुपाते मैं एक वेंटिलेटर से अंदर आया हूँ, और ये मुझे एक कपड़ा दिख रहा है, यानी कि यहाँ की हम ड्रेसअप करेंगे तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। ओके, ये मुझे लग रहा है सही है, मतलब कि मैंने एक गैंगस्टर वाली लुक ले ली है, यानी कि हम अब शांति से आराम से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। मेरे ख्याल से मुझे घूम के जाना चाहिए, तो मेरे ऊपर शक नहीं करेंगे, गैंगस्टर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हमारी हथियार बनने की काम आ सकते हैं, बट मैं उसको लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए अभी जो भी है वो काफ़ी है, मेरे पास बंदूक है एंड एक टॉयलेट साफ करने वाला चीज़ जो है, ये क्या चीज़ है, बॉटल का क्या करेंगे, नहीं नहीं यहाँ पे छुपना पड़ सकता है हमको, और सामने से गेट दिया हुआ है, एक काम करता हूँ ना यार, मैं जिस तरफ से आया मैं उस तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये लोग तो मुझे जाने देंगे नहीं, हो सकता है उस तरफ से मैं जा सकता हूँ, है ना, और ये वाला रास्ता जो है यहाँ से मैं आया था आई थिंक,
यहाँ से जाके देखता हूँ, ये लोग मेरे ऊपर शक तो कर रहे थे, बट नहीं ये भी ठीक है। लिफ्ट की रिपेयरिंग वाली काम चल रहा है, यानी कि हम उस तरफ से जाना है। वेंटिलेटर मैंने कहाँ पे देखा था, इसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो गया है। यहाँ से चुपचाप, ओ माई गॉड, इसने मुझे देख लिया यार, और मेरे ऊपर आई थिंक वो फायरिंग भी करना शुरू कर दिया है। ओके, बचते बचाते हुए मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने चेक पॉइंट सेव कर दिया है, यानी कि अगर मैं मरता हूँ तो फिर यहाँ से आऊँगा। और यहाँ पे मुझे एक वेंटिलेटर, अरे वेंटिलेटर ये क्या है भाई, ऐसा जैसे जगह में घुसा रहे, देख रहे हो, हिटमैन हूँ मैं, हिटमैन को चूहा नहीं जो ऐसे घुसाओगे, हैं जी। फिर भी देखते हैं इस जगह से। ओके, यहाँ पे कोई बंदा, ये सामने वाला बंदा है, यानी कि ये बंदा अब हमारे हाथ से निपटने वाला है। अब ये आ जा, इसकी ड्रेस में एलिमिनेट करता हूँ इसको टप। ओ, मैं एलिमिनेट करना था मतलब कुछ और ही समझ लिया था। ओके, इसका बॉडी मुझे छुपानी पड़ेगी। अबे 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 अबे, इस बंदे ने देख लिया यार, अब इसको भी निपटाना पड़ेगा। ओके, शांत, ओके, सब नाम मामला पानी शांत हो गया। नहीं, यहाँ पे अभी कोई देख तो नहीं रहा है, इसको पकड़ लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ले जाके इसके अंदर घुसा देता हूँ मैं, ये क्या नाम है इसका, डंप कर देता हूँ। क्योंकि अगर इस लाश को मैं छुपाता नहीं तो हो सकता है कोई और आ जाए और हमारी वाट लगा दे। ये वाला लाश कहाँ गया भाई, अरे चल भैया तू भी आ जा। और कोई टॉर्चेस आ रही है मेरे ख्याल से, मुझे लगा कोई टॉर्च वाला आ रहा है, लेकिन नहीं, सही है। अब ये लाश को निपटाता हूँ, और मैं सोच रहा था इसका कपड़ा भी पहन लूँ। ओ खैर रहने दो, अब देखता हूँ यहाँ पे कि क्या दिखा यार। ओके ओके यार, मुझे इसको भी निपटाना पड़ गया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब गलती ये हो गई, यहाँ पे डंप करने के लिए कोई और जगह है नहीं, यानी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको क्या करूँ, डिस्पोजल, अच्छा मतलब इसका चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। ओ, इसका कॉस्ट्यूम पहन लिया मैंने, नाइस। वैसे मैंने गन अपने हाथ में रखूँ या ना रखूँ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, इसके हाथ में गन होना तो चाहिए। और ये कौन सी एरिया में घुस गया हूँ यार, क्लम डाउन, अरे कुछ सीक्रेट सब बेस के अंदर, मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ। अरे लेकिन मैं ऊपर क्यों आ गया, चल वापस चला मेरे हिटमैन, नीचे चलता हूँ देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। वो देख रहे हो यार, कैसा कचरा वचरा वाले जगह में मेरे को घुसा दिया यहाँ, और यहाँ से मैं कहाँ जाने वाला हूँ मुझे भी नहीं मालूम। चलो देखता हूँ यहाँ पे कोई बंदे है तो नहीं, जाने से पहले हमेशा चेक कर लेना चाहिए। और मैं शायद कोई और रूम में जा रहा हूँ, यानी कि हम रूम टू रूम नहीं जा रहे हैं, हम ग्राउंड अंडरग्राउंड होते हुए नीचे से जा रहे हैं। ओ, मैं कोई गली में निकल गया यार। ओके, क्या ये एक एग्जिट प्लान था क्या यार, शायद एक एग्जिट प्लान था यार। ओ तो हमें पहले वहाँ पे दो जगह दिख रहे हैं, वहाँ पे जाना है यार। मैं धीरे धीरे करके एग्जिट प्लान की ओर चला गया, यानी कि हमें वापस जाना पड़ेगा। इस बंदे को तो निपटा दिया है, और मेरे ख्याल से मैंने दूसरे, अरे तो मेरे ही इंतजार कर रहे हैं, और उसी रास्ते से मुझे जाना पड़ेगा यार। नहीं, एक काम करता हूँ, पीछे से जाने का कोशिश करके देखता हूँ, और ये बॉटल वगैरह है फेंक के देखता हूँ, इन लोग का ध्यान भटकाने का कोशिश कर सकता हूँ मैं। पहले उठा लेता हूँ, उसके बाद इसको फेंकता हूँ। अच्छा, मुझे जाना है, किस तरफ जाना है मुझे, इस तरफ जा, इस तरफ फेंकता हूँ सामने ही, बस अब वो जाएगा सामने, और मैं यहाँ पे करूँगा अपना इन्वेस्टिगेशन, यानी अपना ये इस चीज़ को देखते हैं क्या चीज़ है। अब उसने मुझे देख तो लिया, लेकिन मुझे भूल गया, और ये यहाँ पे आएगा चेकिंग करने। हो सकता है हमें इसको टपकाने, नहीं, अरे यार मैंने इसका ध्यान भटका दिया, यानी कि सामने कोई नहीं देख रहा होगा आई गेस। देखूँ, ओके वो लोग उधर ध्यान दे रहे हैं, यानी मैं यहाँ से चुपके से निकल सकता हूँ, और ये मेरे को किसी ने देख लिया, लेकिन नहीं, इधर से हम निकल गए। ओ भाई, ये देख रहे मेरे सामने काम कर रहा है और देख ही नहीं रहा है मेरे को, और ये रास्ता है मेरे ख्याल से। अबे नहीं यार, मेरे को उस लिफ्ट से जाना है क्या यार, तो सीरियस हो यार, मजाक तो नहीं कर रहे।
इन लोग को मुझे फालतू में टपकाना पड़ा क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं यार, मेरे माइनस पे माइनस पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन मुझे और कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। मैं करीबन यार 20-30 मिनट से ऐसे ही किए जा रहा हूँ, आगे पीछे घूमे जा रहा हूँ। ये एक्चुअली ये लोग ना नॉर्मल लोग हैं, यानी कि ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ये लोग कोई गैंगस्टर वगैरह है नहीं। लेकिन मेरे पास भी कोई चारा नहीं था यार, इन लोग को टपकाना ही पड़ गया। और खैर मैं सोच रहा हूँ इन लोग का कॉस्ट्यूम ना यार, कॉस्ट्यूम पहनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा निकल लेते हैं। सामने कोई था तो नहीं, और नहीं कोई नहीं बचा, अब सीधा निकल लेते हैं। ये क्या चीज़ है यार, अच्छा बॉटल वगैरह है, चलो ले ही लेते हैं। कॉस्ट्यूम वगैरह मैं नहीं पहन लेता हूँ यार, हो सकता है आगे चल के हमारा वो शॉर्ट गन है यार, ये तो बहुत बढ़िया यार। और ये कैसे खोलने वाला गेट, अच्छा हमारे पास एक की कार्ड आ गई है। और इस गेट को खोलते हुए आई थिंक यहाँ पे दो एग्जिट दिए गए हैं या कुछ और ही चीज़ है यार, दो रास्ते दिए गए हैं, एक ऊपर एक नीचे। अरे खोला क्यों नहीं यार, तू मुझे ये बताओ। अच्छा वो लिफ्ट ऊपर थी, ऊपर से अब नीचे आई है, और ऊपर में कोई रिपेयरिंग वगैरह का शॉप मतलब काम कर रहे हैं, यानी मुझे ध्यान रखना होगा कि वो मुझे पहचान न रहे। वो मैं ऊपर से नीचे यार, नीचे से ऊपर कहाँ पे जा रहा हूँ यार, और मैंने कॉस्ट्यूम पहन रखा है कोई और का, तो वो आई गेस मुझे ना पहचाने। मैं भी एकदम शांत रहूँगा, अपना कोई हरकत नहीं करूँगा। ओ भाई उसका अंडा तोड़ दिया।